हे गाइस, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज ईशानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एज माय टाइटल आप सबको ऑलरेडी पता है, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय डायपर बैग। सो कोई भी न्यू मम्मी होती है, हमें डायपर बैग कैरी ही करना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद ये डायपर बैग फाइनलाइज किया है। इसका लुक्स, इसका कम्फर्ट, इसकी सारी चीजें, इसके फीचर्स इतने अमेजिंग है ना, आई एम श्योर आप सब भी देखोगे तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। सो मैंने यहाँ पे जो डायपर बैग फाइनलाइज किया है, जो पसंद किया है, वो है आर फॉर रैबिट का डायपर बैग। कैन यू सी हाउ क्लासी इट लुक्स। इसका लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। सबसे पहले तो मैं इसके लुक पे ही फिदा हो गई थी जब मैंने इसे देखा था। एंड देन इसके फीचर्स, अंदर जिप के अंदर जिप, यू नो, कंपार्टमेंट्स के अंदर कंपार्टमेंट्स, तो बहुत से सेग्रीगेटेड इसमें कंपार्टमेंट्स है, जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं हमें कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए। इसके अंदर बहुत सी, लिटरली मैं पूरी दुनिया जहान मेरी बेबी के लिए कैरी करके घूमती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या इस डायपर बैग में कैरी करती हूँ अपने बेबी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर सबसे पहले हम ये फ्रंट कंपार्टमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जिप कंपार्टमेंट है। इसे खोलते ही यहाँ पे बॉटल्स के लिए दो कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे एक में तो मैं रखती हूँ मेरा मिल्क पाउडर कैरी करती हूँ। ये मैं ऐसे ग्लास में कैरी करती हूँ, ग्लास या कोई भी छोटे जार में, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, क्योंकि मिल्क पाउडर के डब्बे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे कैरी करती हूँ। एंड बाजू के कंपार्टमेंट में रखती हूँ मेरी बॉटल, छोटी सी फिलिप्स 7 की ये बॉटल है। एंड ये बैग की, ये बॉटल कंपार्टमेंट की खास बात क्या है कि यहाँ पे ऐसा मटेरियल दिया हुआ है जिससे कि कोई भी बॉटल का दूध का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है, ठंडे को ठंडा रखता है एंड गर्म को गर्म रखता है। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैश कंपार्टमेंट है, जिसमें मैं रखती हूँ सबसे पहले बॉटल का कवर अप, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है मैं बेबी को कहीं भी पब्लिकली मिल्क दे रही हूँ तो मिल्क शो हो, इसलिए मैं ये क्यूट सा बॉटल का कवर यूज करती हूँ। एंड साथ में यहाँ पे रखा है मैंने ये सैनिटाइजर, एंड साथ में रखा है यहाँ पे वेट वाइप, जिससे कि अगर मैं हैंड वॉश नहीं कर पा रही हूँ फॉर एनी रीजन तो ये हैंडी रहता है। सो ये है हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा फुटवेयर शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ फ्रॉम ज़ूक ब्रांड। आप सबको पता है मुझे ज़ूक ब्रांड कितना ज़्यादा पसंद है, मैंने उसके कितने सारे बैग्स यूज किए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक फुटवेयर मंगाया जाए, आप सबके साथ शेयर किया जाए। सो हियर इज द बॉक्स। ऐसे बॉक्स में आता है ये फुटवेयर, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। जस्ट वेट फॉर इट, सी, कैन यू सी दैट हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासी इट लुक्स। ओ माई गॉड, जब मैंने इसे वेबसाइट पे देखा था, आई वॉज टोटली इन लव विद दिस फुटवेयर। कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज्यादा कंफर्टेबल, इसे कंफर्टेबल भी बहुत है। मैंने इसे बहुत ज्यादा पहना तो नहीं है, अभी तक ब्रांड न्यू है, बट ऑब्वियसली मैंने इसे पहन के देखा था। एंड यहाँ पे जो कुशनिंग दी हुई है ना, ओ माई गॉड। एंड पोस्ट पार्टम जब आपकी डिलीवरी होती है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर चाहिए होते हैं, इसीलिए मैंने इसके बारे में सुन रखा था कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग बहुत ही पैरों को ना बहुत ही रिलैक्स फील कराती है, इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। एंड अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें, इसके प्रिंट्स की बात करें, इसकी डिजाइनिंग की बात करें, तो ओ माई गॉड, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटिफुल। एंड मतलब इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर का लेदर, एंड यहाँ पे ज़ूक का जो उनकी जो ब्रांडिंग है, जो उनकी प्रिंट्स होते हैं, कितना ब्यूटिफुल सा प्रिंट है। एंड यहाँ पे इतना कुशनिंग, सी, कैन यू सी कितनी ब्यूटीफुली मेरी उंगली पूरी अंदर प्रेस हो रही है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, हर तरह के कपड़ों के साथ आप पहन सकते हो, बी इट इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, आप कोई भी तरह की कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, टीनेजर्स हो, कोई ऑफिस गोइंग गर्ल्स है, या आपको रेगुलर में पहनना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। मैं वेबसाइट का एंड फुटवेयर का लिंक है वो सब मैं यहाँ पे स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ज़ूक डिफाइंस अ मॉडर्न इंडियन classic, brings together the contemporary and the traditional. ज़ूक is a 100% vegan and proudly Indian brand. They use Igat fabric and jute khadi fabric to make all the products. All products are cruelty free and are PETA approved vegan. And now let's continue with our video. एंड उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे, जिसे मैं अभी फिलहाल एम्प्टी है, बट यहाँ पे मोस्टली मैं मेरा फोन, कीज, कुछ भी यहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि मैं इजिली उसे निकाल सकूँ एंड कुछ भी यूज कर सकूँ। साइड में यहाँ पे कंपार्टमेंट है जो कि टिश्यू के लिए है, वेट टिश्यूज, ये यहाँ पे मैं टिश्यूज यूज कर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करके एक फ्लैप दिया हुआ है जो ओपन रहता है, तो यहाँ से टिश्यू निकालना मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, मुझे इसे पूरा बाहर नहीं निकालना पड़ता है, यहाँ से मैं टिश्यू यूज करके इसे ऐसे बंद कर देती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इनोवेटिव एंड थॉटफुल थिंग, तो मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है। एंड अदर साइड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैं मेरा फ्लास्क रखती हूँ, गर्म पानी डाल के कैरी करती हूँ, अच्छा खासा बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ी बड़ी जार्स भी रख सकते हो, बट ये इनफ होता है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे रख के ये कैरी करती हूँ।
एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पीछे, एंड इसके स्ट्रैप्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कितना भी हैवी होता है ना बैग तो बिल्कुल भी शोल्डर्स पेन नहीं करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंटली आराम से कैरी किया जा सकता है। एंड ये चीज़ बहुत अमेजिंग है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। ये क्या है कि ये डिस्पोजेबल, इसमें थैलियाँ रहती हैं कि आप इसे ऐसे यहाँ से खींचो, आपको जब भी यूज़ करना है। इसे कैप्सूल शेप का है, छोटा सा है, एंड इसमें आप थैलियाँ रहती हैं, इसे खींचो को खींच के यूज़ कर सकते हो आप अपने बेबी के यूज डायपर्स को डिस्पोज करने के लिए। बहुत अच्छा है कि मैंने अमेजोन से लिया था, मैं इसे भी लिंक कर दूंगी क्योंकि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, हर किसी के पास ये होना चाहिए फॉर श्योर। एंड यहाँ पे भी ऐसे जिप कंपार्टमेंट दिया हुआ है, ये मोस्टली मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट ऐसे जिप कंपार्टमेंट जस्ट इन केस कुछ भी स्टोर करना है, कुछ भी लेके चलना है तो फिर यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। एंड यहाँ पे ऐसे स्ट्रैप भी है, अगर आप कोई ट्रॉली सूटकेस कहीं जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, ट्रॉली सूटकेस में आप इसे ऐसे टक कर सकते हो यहाँ से, तो ये बैग इधर उधर नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आप शोल्डर पे कैरी करो, वहां पे रख दिया एंड यू आर गुड टू गो। एंड अगर हम मूव ऑन करते हैं तो इसे अगर ओपन करें, ओपन करने के बाद अगेन यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ पे मैं रखती हूँ मेरे बेबी का डाइपर। जितने भी मैं जितने दिन के लिए जा रही हूँ, जितने घंटे के लिए जा रही हूँ, उस हिसाब से अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने 2 डाइपर रखा हुआ है। एंड उसके साथ है यहाँ पे डाइपर रैश क्रीम, ये बिफोर नैपी का रैश क्रीम है। एंड इसके साथ में मैंने यहाँ पे रखा है ममा अर्थ का टमी रोल ऑन। एंड अगर ये बड़ा कंपार्टमेंट खोलें तो काफ़ी स्पेशियस है, यू सी इसमें कितनी सारी चीज़ें रखी है मैंने। अभी जैसा कि विंटर्स थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है तो ये मैं मेरे बेबी को अगर कहीं बाहर हूँ, ओपन स्पेस में हूँ, कहीं गई हूँ, तो ये उसे उड़ाने के लिए ना, उसके अच्छे से कवर अप करने के लिए ये मैं थोड़ा सा कैरी करती हूँ। ब्लैंकेट है, बहुत ही स्मार्ट लगता है, बहुत ही अमेजिंग है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी स्मार्ट टू, मतलब दोनों साइड से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसे भी लिंक कर दूंगी जस्ट इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। एंड अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन मेश के 2 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैं एक बेबी के लिए रैटल कैरी करती हूँ। ये रैटल मेरे बेबी को बहुत पसंद है, इसका साउंड, तो वो जब भी रोती है या कुछ भी होता है, ये रैटल से शी लिटरली स्टॉप्स क्राइंग, तो इसे मैं जरूर कैरी करती हूँ कहीं भी जाती हूँ। दूसरी जगह पे मैं यहाँ पे रखती हूँ मेरे बेबी का मिटन सेट, जिसमें है इसके पैर के, इसमें है पैर के सॉक्स, हाथ के मिटन्स एंड कैप जस्ट इन केस इफ आई नीड। एंड उसके अंदर यहाँ पे देखे तो अगेन यहाँ पे एक जिप कंपार्टमेंट है जिसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, बट यहाँ पे कुछ भी कैरी किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज आपको कैरी करनी है, यू कैन इजिली कैरी हियर। एंड अंदर अगर देखे, एंड यहाँ पे ना इस बैग की एक और खास बात है, यहाँ पे यूएसबी कॉर्ड भी दिया हुआ है जिससे आप अपना पावर बैंक लगा के अपने फोन को इजिली चार्ज कर सकते हो। पावर बैंक को आप यहाँ पर अटैच करके अंदर रखे, यहाँ पे से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड अंदर देखे तो मैंने यहाँ पे कैरी किया है एक नैपकिन, यू नेवर नो बेबी के साथ कब क्या लग जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें कैरी करनी ही पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बताया ठंड का टाइम शुरू हो गया है, तो मैं एक पूरा स्वेटर सेट भी कैरी करती हूँ, विच इंक्लूड्स पैंट्स एंड स्वेटर, ये पूरा सेट है, ये कैरी करती हूँ। साथ में हाफ स्लीव्स का इनर कैरी करती हूँ जस्ट इन केस बहुत ज़्यादा ठंड है, ओपन एरिया है तो फिर लग सकता है। एंड देन ये फुल लेंथ का मैं वंसी भी कैरी करती हूँ क्योंकि अभी शॉर्ट लेंथ का नहीं पहना सकते हैं, ठंड है, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है सुबह शाम की। एंड देन अगेन अंदर भी देखोगे आप तो यहाँ पे भी 2 कंपार्टमेंट्स है जिसमें मैंने रखा हुआ है 2 नैपकिन, दोनों तरफ में नैपकिन और बिब रखा है। ये नैपकिन तो भाई बच्चों के साथ तो सीरियसली यू नेवर नो कब वो क्या सलाइवा निकाल दे, कब क्या करते हैं, कब उनको मिल्क दूध मुंह से बाहर आ जाता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, तो कैरी करना पड़ता है। एंड जब मैं बेबी को बॉटल फीड देती हूँ तो मैं बिब भी कैरी करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूध पीते वक्त वो ऑब्वियसली बच्चे के मुंह से दूध बाहर आता ही है। एंड साथ में मैंने रखे हैं यहाँ पे 2 सॉडल्स, एक सॉडल रखा है, एक मैं सॉडल को ही ना कवर अप के जैसे फीडिंग के टाइम पे यूज करती हूँ, तो एक सॉडल मोस्टली मैं कवर अप के जैसे यूज करती हूँ और एक एक्स्ट्रा रखती हूँ कि इन केस मुझे उसे सोना है तो उसे सॉडल करके अगर मुझे कहीं सुलाना है तो मैं इजिली उसे सुला सकूँ। एंड ये हॉर्स एंड किंडर का सॉडल है, अगर चाहिए तो मैं ये भी लिंक कर दूंगी क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सॉडल्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। एंड इसके साथ में मैं रखती हूँ एक ड्राई शीट और रखती हूँ एक नैपकिन, बेबी को चेंज करना है या कहीं पे किसी के घर गए हैं या कहीं पे गए हैं वहाँ पे सुलाना है तो ऑब्वियसली बेबी को ऐसे डायरेक्ट मैं नहीं सुलाती हूँ, या चेंज भी करना है अगर आप डायपर ही चेंज कर रहे हो तो पहना के करना पड़ता है, इसे बिछा के करना पड़ता है, अदरवाइज यू नेवर नो कब क्या इंसिडेंट हो जाए कहीं पे। सो या अंदर भी अगर आप देखते हो यहाँ पे और भी कंपार्टमेंट्स, आप अंदर भी अपने बॉटल स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे अंदर और भी ऐसे कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो कैन यू सी कंपार्टमेंट्स के अंदर कंपार्टमेंट्स एंड मेश कंपार्टमेंट, जिप कंपार्टमेंट, बैग के अंदर यहाँ पे कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। बहुत ही अमेजिंग बैग है, आई जस्ट लव द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस बैग। बहुत चीज़ें इसमें कैरी हो जाती हैं एंड अभी तो मैंने बहुत कम चीज़ें कैरी करी हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट इसमें और भी बहुत चीज़ें आप डाल के कैरी आराम से किया जा सकता है। सो या दिस इज़ माई डाइपर बैग विच आई रियली रियली लव।
एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टेक केयर.